देखिए अब क्वेश्चन है अपने पास, ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइंग ऑन आइस, आइस पे पड़ा हुआ है एक मार्बल ब्लॉक, व्हेन गिवन ए वेलोसिटी, इसको कुछ वेलोसिटी दी इनिशियल और 6 m/s, अब ये जा रहा है और फिर फ्रिक्शन फोर्स लगने के कारण रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0। तो अपने से पूछ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो अपन ये जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है, फॉर्मूला अपन जानते हैं, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, v 0, इसका मतलब डी एक्सेलरेट हो रखा है, इनिशियल 6 है और डी एक्सेलरेट हो रखा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में, ऐसा डी एक्सेलरेट के लिए माइनस लगा दिया साइन, और कितनी देर बाद रुक गया है 10 सेकेंड। तो इसको अपन कह सकते हैं कि 10a = 6, अपन क्या बोल सकते हैं इस तरह से 10a = 6, तो एक्सेलरेशन अपन बोल सकते हैं 6/10, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेट हो रहा था, डी एक्सेलरेट हो रहा था उसकी 0.6 से, 0.6 उसका वेलोसिटी कम होती जा रही थी पर सेकेंड। अब फ्रिक्शन से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स का, म्यू फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जी इंटू एम, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। तो ये चीज क्या किस तरह से एक्ट करती है, एक्सेलरेशन की तरह, म्यूजिक इसके जैसे काम कर रही है एक्सेलरेशन की जैसे, फोर्स हो गया ना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को अपन यहाँ पर म्यू जी लिख देंगे, तो ये जो अपने पास आया है ना ए एक्सेलरेशन, उसकी जगह अपन म्यू जी लिख देंगे। इस फॉर्मूले से फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला होता है, इससे अपन ने उठाया ये, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर है, क्योंकि मास इंटू ए, तो ये एक तरह से ए की जैसे बिहेव कर रहा है म्यूजिक, म्यूजिक इसकी जैसे बिहेव कर रहा है एक्सेलरेशन की जगह, तो इस एक्सेलरेशन की जगह अपन ने क्या लिख दिया, म्यू जी 6/10, तो ये अपन जी नीचे ले जाएंगे तो म्यू की वैल्यू अपन को मिल जाएगी, तो 6/10 और जी की, जी को नीचे ले जाएंगे तो 10 और हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल मिला के 0.06, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना हो गया 0.06। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पहले तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू एम जी, जहाँ पर म्यू जी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, एफ बराबर एम ए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है म्यू जी फ्रिक्शन के लिए, तो अपन ने ये इक्वेशन लगाई और इस तरह से सॉल्व कर दिया।